एपी का क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रखा है कि फर्स्ट टर्म है 10 और कॉमन डिफरेंस है 3, तो बताओ सिक्स टर्म क्या होगी। ठीक है, इसकी मैंने ट्रिक बताई थी कि अगर टी सिक्स पूछते हैं तो क्या लिखते हैं, ए प्लस 5D। ठीक है, तो ए की जगह 10, डी की जगह 3, तो हमारा आंसर आ गया 25। ठीक है, नेक्स्ट है, एक आदमी बैंक में 10-10 रुपये जमा करता है हर महीने और उसने ऐसा 10 महीने तक करा। ठीक है, मतलब 10 जुड़ गए, फिर 10 जोड़ दिए, 10 जोड़ दिए, तो बताना है अगर ऐसे वो करता गया तो उसके कितने पैसे जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो पहले उसने कितने जमा करे, 10 रुपये, और कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है, डी 10 का। तो अब हमें ये पता लगाना है कितने पैसे जुड़ गए, क्लियर है नहीं, टोटल मिला के, क्लियर है। तो एस एन का फॉर्मूला लगा दो, n/2 2a प्लस n-1d। तो n कितना है, 10/2, 2a कितना आ गया, 10 10-1। फिर अगर कैलकुलेशन देखो, ये 2 5 10 कट जाएगा। ठीक है, मतलब कैलकुलेशन तुम कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 550। क्लियर है।